अतः हम हरेक वर्ष दोकान करै छी। दोकान अगला बेर से ठीके ठाक है, भीड़ो ठीके ठाक है, फैसिलिटियो अगला बेर सब में पंखा संख्या नहीं लगे छलै, एबेर पंखो लगलिय, स्टॉलो के साइज बड़का भेलिय, जिनका बनिए काम भेलिय, आ भीड़ो भड़का देखबे करै छी, आ भीड़ भड़का हेबे करै ये कि कनी मनी सिक्योरिटी टाइट करे पड़ते, चोर सबके ज्यादा अतः डर रहै छै। से बात व्यापार ठीके है, अभी आप धीरे धीरे दू तीन दिन के बाद आरो भीड़ होते, अति खसी चढ़ाई से पहले एक दू दिन बहुत भीड़ रहै छै, ओहि समय बढ़िया व्यापार होइ छै, अभियो ठीके है व्यापार। अहिले जुन जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ द्वारा विजयादशमी दीपावली तथा छठ पर्व को उपलक्ष्य में विगत देखि जो लगे आई रहा थे विगत का नहीं पूर्व अध्यक्ष जी तो उद्योग वाणी संघ बाट सस्ता बजार भन्ने दसैं बजार लगाउँदै आइरहेछन्, त्यसमा यसपाली पनि बडो धुमधामका साथ लागेका छन्। अहिले जुन देशको आर्थिक अवस्था छ त्यसैलाई मध्यनजर गरी अहिले जुन गोपाल धर्मसँगमा उद्योग वाणी संघद्वारा जुन लागेको छ दसैँ बजार, त्यस दसैँ बजारमा अहिले आर्थिक मन्दीको हिसाबमा पनि यस क्षेत्रका जनकपुर धाम लगायत जिल्लाभरिका उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले एउटा राहत महसुस भएका छन्, अहिले राम्रो व्यवसाय भइरहेछ, जुन दस दिनदेखि हामी बजार लगाएको छौँ र विगतमा अर्कोचोटि पनि दुई ठाउँमा दसैँ दीपावली छठ तिनटै पर्वको लागि छुट्टै एउटा तृतीयगाछीमा पनि बजार लगाउने छु र गोपाल धर्मशालामा दुईटीमा लगाउने छु। कुल 90 स्टल हामी लगाएका छौँ, त्यसमा पाउने सामानहरू जस्तै साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, कपडा, जुत्ता चप्पल, तपाईँका प्लास्टिकका भाँडा बर्तनहरू लगायत विभिन्न सामानहरू, त्यहाँ घराइसी सम्पूर्ण सामान भन्नाले भनिन्छ, भन्न सकिन्छ कि सबै सामान त्यहाँ घराइसी सामान जुन हामी दसैँभरिमा जुन प्रयोग गर्ने हो त्यो सामानहरू त्यहाँ पाउँछ। आदमी सब श्रद्धालु सब आ रहल है और व्यापारो निमन जा रहल है अभी, और गाँव घर के आदमी सब अभी जुट रहल है, अभी दू दिन से भीड़ बढ़ रहल है अभी, और सब बढ़िया है।